गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के टाइम है और दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं हमारा तख्ता चिरा के आ गया है। दोस्तों देख लीजिए, हमारा तख्ता 2-3 दिन से काम बंद था, इसलिए देखिए तख्ता हमारा चिरा गया है। देखिए यहाँ पे हमारा तख्ता चिरा के आ गया है। देखिए तख्ता जो है ना, गुल्लर का तख्ता है। देखिए तो घर बनाने के काम में हम सभी इसको यूज करते हैं। देखिए 2-3 रोज से काम बंद था, इसलिए तख्ता हमारा चिरा गया है। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए औजार कल से लगातार इसी साइकिल पे ही रखा हुआ है। इसको हम उतार लेते हैं नीचे। देखिए देखिए कितना सारा औजार। देखिए यहाँ पे आरी है, देखिए यहाँ पे ग्लेंडर मशीन है, देखिए ये सरिया काटने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हथौड़ी है। और यहाँ पे देखिए बोर्ड है। और यहाँ पे देखिए फीता है, एक बड़ा वाला 50 फुट वाला फीता है। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए 10 फुट वाला है। और दोस्तों सामने भी कुछ है, उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए झर्रा का कुट्टी है। यहाँ पे देखिए झर्रा कुट्टी है कि जो देखिए इसी कल कुट्टी में काट के रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए झर्रा का कुट्टी है। और यहाँ पे देखिए बीज है, गेहूँ का बीज है, जो खेत में बुआई करने के लिए कुछ बुआई हो गया है लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है। देखिए 50 किलो का बैग था, देखिए आधा से बेसी, देखिए 5 कट्ठा और बाव करना है। और यहाँ पे देखिए पाइलिंग है, इसी से हम खद्दा खन के पिलर इसमें डालते हैं। देखिए साइड पे हम पिलर डालते हैं इसी पाइलिंग से। और यहाँ पे देखिए कुदारी है। अभी हम अपने रूम में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिस्किट है, जो सुबह का टाइम है। और दोस्तों यह बिस्किट खा लेंगे। और दोस्तों हमारे यहाँ खेत में है ना सब चीज़ बोआई हो गया है। दोस्तों देखिए सामने, देखिए यहाँ पे गेहूँ बाव हो गया है सामने। और यहाँ पे देखिए आलू भी एकदम सामने, आपको आलू ही मिलेगा। देखिए इस साइड से आलू का रोपाई हो गया है। और देखिए सामने भी ट्रैक्टर भी चल रहा है। देखिए यहाँ भी कुछ और गेहूँ का बोआई हो रहा है। देखिए पूरा खेत है ना एकदम पूरा बोआई हो गया है दोस्तों।